तो अभी जो हम ये सर्किट बना रहे हैं ये 220 वोल्ट एसी पे काम करने वाला है और ये 2-in-1 काम करेगा। जैसा कि मान लीजिए कि आप अगर चाहें तो डीसी में भी इसको यूज ले सकते हैं, यानी कि डीसी टू डीसी में भी आप इसको यूज में ले सकते हैं, और अगर आप चाहें एसी में तो एसी में भी आप इसको यूज ले सकते हैं। दोनों चीज में इसको काम में आप ले सकते हैं। वैसे ये काम क्या करता है, तो ये एक टाइमर सर्किट है। जैसा कि मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर जो है घर का अगर मेन लाइट जल रहा है, वैसे घर के लिए नहीं है, कोई मान लीजिए घर का या फिर कोई भी चीज को आप ऑपरेट कराना चाहते हैं, किसी भी चीज में आप चाहें ना तो इस सर्किट को लगा सकते हैं। वैसे आपकी मर्जी आप कहाँ पे लगाइएगा वो आप खुद से डिसाइड कर लीजिए, लेकिन आपको यहाँ पर समझना होगा इस वीडियो को देखने के बाद कि ये सर्किट काम जो है कि किस तरीका से करता है। वैसे देखा जाए ना तो बहुत ही एक अच्छा सर्किट है, जैसा कि मेन लाइट से एक नाइट लाइट में भी कन्वर्ट करा सकते हैं और भी कुछ है कि टाइमर के हिसाब से आप इससे काम ले सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं। इस सर्किट को बनाने के लिए हम क्या क्या यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो सारा चीज यहाँ पर आपको दिखाएंगे, और वीडियो का तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं दोस्तों ये एक कमेंट पे बना रहे हैं। एक भाई का यहाँ पर कमेंट है कि इसका टाइमिंग जो है कि कैसे बनाया, जो कि हो सकता है कि आप भी अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको यही चीज यहाँ पर समझ में नहीं आएगा कि इसका टाइमिंग आपको किस तरीका से बढ़ाना है। तो यह वीडियो में सारा कुछ हम डिटेल में यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर सर्किट को बनाते हैं। तो सर्किट को बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास जो है कि यहाँ पर 12 वोल्ट का रिले है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, शायद यहाँ पर आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा है लेकिन हम बता दे रहे हैं ये 12 वोल्ट का मेरे पास रिले है। अगर आपके पास 5 वोल्ट का है दोस्तों तो इसका टाइमिंग और भी ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं, वैसे रिले से नहीं कुछ और तरीका हम आपको बताएंगे इसका टाइमिंग बढ़ाने के लिए। तो चलिए इसको हम बनाते हैं किस तरीका से बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट होता है वो कॉइल का होता है, ये बीच वाला कॉमन होता है, ये एनसी होता है और ये वाला एनओ पॉइंट होता है, ठीक है। ये रिले का हमने बता दिया जिन भाई को नहीं पता है उनके लिए। अभी चलिए यहाँ पर जो हम कैपेसिटर का यूज करेंगे वो मेरे पास एक कैपेसिटर है और एक हमने यहाँ पर रजिस्टर का यूज किया है और एक हमने यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर का यूज किया है। तो सारा कुछ का नंबर जो है कि आपको डिस्प्ले में देखने के लिए मिल जाएगा, वीडियो को स्किप बिना किए आप देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर पहले सर्किट को कम्प्लीट करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर कितना टाइमिंग के लिए अभी हम बना रहे हैं उसके बाद आगे ये कितना टाइमिंग के लिए बनेगा वो भी आप देखिएगा, इसको आउटपुट में किस तरीके से चेक करते हैं सारा कुछ आपको चेक करके बताएंगे। तो अभी चलिए ये मेरे पास ट्रांजिस्टर है, तो इस ट्रांजिस्टर का जो पिन आउट आप कुछ देख सकते हैं इस तरीका से है। तो चलिए इसका कनेक्शन शुरू करते हैं। तो ये जो कॉइल का पॉइंट है, इस कॉइल का पॉइंट में हमको कुछ इस तरीका से यहाँ पर सोल्ड करना है। तो चलिए इसको यहाँ पर सोल्ड करते हैं। तो इसको चलिए हम यहाँ पर इसको सोल्ड कर लेते हैं। तो ये इसका कॉइल का पॉइंट था, तो इस कॉइल का पॉइंट में हमने यहाँ पर इस तरीका से सोल्ड कर लिया है। आप देख सकते हैं, आपको दिखाने के लिए पूरा कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से जो है कि यहाँ पर दिख सके। अभी जो ये मेरा कैपेसिटर है, तो इस कैपेसिटर का जो माइनस पॉइंट है, ठीक है, यानी कि जो नेगेटिव पॉइंट है उसको हमको यहाँ पर सोल्ड करना है कुछ इस तरीका से। तो चलिए कुछ इस तरीका से करके हम इसको सोल्ड कर देते हैं, किसी भी तरीका से आपको यहाँ पर बस सोल्ड करना है इसको। चलिए इस तरीका से हमने इसको सोल्ड कर लिया है। अभी क्या है, ये जो रजिस्टर है मेरे पास, तो ये रजिस्टर को हमको सोल्ड करना है डायरेक्ट यहाँ पर। ये एक छोटा सा सर्किट है लेकिन हाँ काम इसका बहुत ही अच्छा है, तो कुछ इस तरीका से हमको यहाँ पर सोल्ड कर लेना है। चलिए इसको सोल्ड कर लेते हैं, यानी कि इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है उसमें और एक उसमें यहाँ पर सोल्ड करना है कुछ इस तरीका से। तो आप देख सकते हैं किस तरीका से हमने इसको सोल्ड किया है, बिल्कुल भी यहाँ पर सिंपल तरीका है ये। आप जब बनाएगा तो आप यहाँ पर अच्छे तरीका से बनाएगा, हम सिर्फ दिखाने के लिए इस तरीका से मतलब सोल्ड कर दे रहे हैं, बाकी आपको अच्छे तरीका से यहाँ पर बना लेना है। अभी आपको क्या करना है, एक आपको यहाँ पर टाइमिंग जो है कि इसको ऑन करने के लिए एक आपको पुश स्विच का यूज करना पड़ेगा। तो मेरे पास ये पुश स्विच है तो इसका हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो चलिए इसका जो दो वायर है एक एक वायर हम इसको सोल्ड कर देते हैं। तो एक वायर को सोल्ड करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट जो रिले का यहाँ पर कॉइल वाला पॉइंट है, जस्ट उसी पॉइंट में हमको यहाँ पर इसको सोल्ड कर देना है। और जो मेरा बचेगा यहाँ पर दूसरा वाला, तो दूसरा हमको डायरेक्ट इस जगह पर सोल्ड करना है जो कि यहाँ पर इसका जो कैपेसिटर का जो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये सर्किट का जो कनेक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीका से हमने किया है, बिल्कुल भी यहाँ पर सिंपल तरीका है, कोई भी ज्यादा ये नहीं है। अभी टाइमिंग इसका किस तरीका से बढ़ेगा वो चीज आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमने लो यहाँ पर रजिस्टर लगा के दिखाया इस तरीका से, यानी कि टाइमिंग को कम करके रखा है ताकि यहाँ पर आपको तुरंत भर में यहाँ पर दिख सके, आपको समझ में आ सके कि ये सर्किट किस तरीका से काम कर रहा है। नहीं तो अगर टाइमिंग यहाँ पर अभी बढ़ा देंगे तो यहाँ पर काफी वेट करना पड़ेगा, तो इसके कारण जो है कि टाइमिंग हमने यहाँ पर लो रखा है। तो यहाँ पर जो है कि अभी जैसा कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग के लिए लेना है तो आप जो है कि इसका एक पॉइंट से, यानी कि देखा जाए
तो इसका एएनसी पॉइंट से आप जो है कि टाइमिंग के लिए, सिर्फ टाइमिंग के लिए आप ले सकते हैं एनसी या एनओ से, आपको हिसाब से अलग अलग तरीके से इसको यूज में ले सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर दो लाइट के यहाँ पर टाइमिंग के हिसाब से लेंगे, मान के चलिए मेरा ये जो मैन लाइट है, ठीक है, ये नाइट लाइट है, तो मेरा मैन लाइट जब भी यहाँ पर ये जल रहा है और हम चाहते हैं कि नहीं ये 10 मिनट के बाद, ठीक है, 10 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक लाइट बंद हो जाए और रात भर जो है कि ये नाइट लाइट जलता रहे, कुछ इस तरीका से, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरीका से बना रहे हैं, आप अलग तरीका से यहाँ पर बना सकते हैं, यानी कि जिस तरीका से भी आप चाहें उस तरीका से इसको बना सकते हैं। तो इसको हमको चलाने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, दो होल्डर का हमको जरूरत पड़ेगा। तो ये मेरे पास दो होल्डर है, तो दो होल्डर का क्या करेंगे कि यहाँ पर दो दो वायर है, आप देख सकते हैं इसका भी दो वायर है और इसका भी दो वायर है, तो एक एक वायर हमको क्या करना है आपस में इस तरीका से जोड़ देना है, ठीक है, एक एक वायर इसको इस तरीका से हमको जोड़ लेना है। चलिए इसको डायरेक्ट यहाँ पर सोल्ड ही कर लेते हैं ताकि यहाँ पर अच्छे तरीका से जो है कि ये ज्वाइंट हो जाए। चलिए इसको हमने यहाँ पर सोल्ड कर लिया है, अभी क्या करेंगे कि इसका एक एक वायर यहाँ पर जो बच रहा है, ठीक है, ये लाइट का एक एक वायर तो हमने यहाँ पर जोड़ लिया है, एक एक वायर यहाँ पर बचा, तो इसको आपको देख लेना है कि आपको मैन लाइट किस में रखना है। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये मेरा मैन लाइट है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर लगा दे रहे हैं, चलिए, और ये मेरा रहेगा नाइट लाइट, ठीक है। तो दोनों लाइट हमने यहाँ पे लगा दिया है, एक मैन लाइट एक नाइट लाइट। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे तरीके से हम थोड़ा ऊपर करके यहाँ पर दिखा देते हैं, क्योंकि ताकि यहाँ पर आपको पूरा सर्किट यहाँ पर दिखे, ऐसा आपको हो सकता है कि नहीं दिखता होगा। तो अभी चलिए यहाँ पर क्या है कि ये तो आपको एक एक वायर यहाँ पे ज्वाइंट हो गया और बचा एक एक वायर, तो आपको पहले देख लेना है कि मैन लाइट का वायर कौन सा है। तो मेरा मैन लाइट का वायर ये है और ये नाइट लाइट का है, तो जो मेरा मैन लाइट का वायर है उसको हमको क्या करना है कि इसके इस वाले पॉइंट में हमको सोल्ड करना है। चलिए आपको यहाँ पर सोल्ड करते हैं, ठीक है, ये एनओ वाला पॉइंट में, ठीक है, एनओ वाला पॉइंट में हमको क्या करना है, मैन लाइट हमको सोल्ड करना है, क्योंकि हमको रात भर जो जलाना है उसको नाइट लाइट को जलाना है, तो हम इसको एनओ पॉइंट में देंगे जो मेरा मैन लाइट है। इसको आपको समझना होगा अच्छे तरीके से, और जैसा कि हमको इसको नाइट लाइट को रात भर जलाना है, यानी कि टाइमिंग में हमको मैन लाइट को ही रखना है, नाइट लाइट को नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे एनसी वाला पॉइंट पे यहाँ पर सोल्ड कर देते हैं, ठीक है। नाइट लाइट एनसी पॉइंट पे है, मैन लाइट एनओ पॉइंट पे है, ठीक है, ये चीज आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अभी इसको पावर देने के लिए एक यहाँ पर पावर प्लग का हम यूज करेंगे, ये मेरे पास पावर प्लग है, ठीक है, ये छोटा सा एक वायर है, तो इसको पावर प्लग का हम यूज करेंगे। तो कोई भी एक वायर हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर कॉमन में सोल्ड कर देना है, जो इसका कॉमन वाला पॉइंट है, ये इसका कॉमन पॉइंट है, तो चलिए एक वायर हमने यहाँ पर कॉमन कर दिया, और जो इसका दूसरा वायर है वो जो यहाँ पर हमने जोड़ा था दो वायर लाइट का एक एक करके, तो इस वाले पॉइंट में हमको यहाँ पर इसको सोल्ड कर देना है। चलिए यहाँ पर ये सोल्ड हो चुका है, तो अभी एक बार ध्यान से इसका कनेक्शन आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। इसका दो वायर जो आया तो ये दोनों का एक एक वायर हमने यहाँ पर सोल्ड कर लिया है, और जो दूसरा है वो डायरेक्ट यहाँ पर चला गया है रिले के कॉमन वाले पॉइंट पे, आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से दिख रहा है। और ये रहा दो लाइट, तो दो लाइट भी आपको दिखना चाहिए, सर्किट भी दिखना चाहिए, सारा कुछ आपको दिखना चाहिए। अभी चलिए यहाँ पर हम इसको पावर देने के लिए मैन 220 वोल्ट एसी पे इसको लगा देते हैं, और उसके बाद आपको क्या है कि यहाँ पर आपको 12 वोल्ट सप्लाई देना पड़ेगा। तो 12 वोल्ट सप्लाई जो हम यहाँ पर देंगे, तो हम जब भी देंगे यहाँ पर तो अपने पावर सप्लाई से देंगे, ठीक है, हम पावर सप्लाई से यहाँ पर जो है कि 12 वोल्ट का इसको सप्लाई हमको देना रहेगा। तो ये मेरा रहा 12 वोल्ट का यहाँ पर सप्लाई, ठीक है, जो कि 12 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई आ रहा है। तो इसका नेगेटिव आपको कहाँ पर देना है दोस्तों, नेगेटिव आपको वहीं पर देना है जो कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉइंट है वहीं पर आपको नेगेटिव देना है। और पॉजिटिव आपको कहाँ पर देना है, तो ये जो कॉइल वाला ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इस जगह पर आपको देना है, तो यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव दे देते हैं। चलिए तो यहाँ पर जो है कि ये सर्किट को जो है कि डीसी सप्लाई यहाँ पर मिल चुका है, अब यहाँ पर एसी इसको इनपुट कराते हैं। अगर आपको डीसी में यूज करना है तो ये एसी का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अब यहाँ पर डीसी का करंट यहाँ पर आप ले सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर डीसी में यूज करना है। चलिए ये इसका पुश स्विच है, आपको सब साफ सब क्लियर दिख रहा है। चलिए यहाँ पर इसको पावर प्लग हम लगा देते हैं, तो अभी जैसा कि मेरा क्या है नाइट लाइट जलेगा यहाँ पर, चलिए इसको लगाते हैं। तो अभी देखिए नाइट लाइट यहाँ पर जल रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमको सोने का टाइम है या फिर टाइमिंग हमको यहाँ पर सेट करना है एक बार में, तो इसका पुश स्विच है यहाँ पर आपको पुश करना है, ठीक है, एक बार। जैसे कि देखिए जैसे हमने पुश किया मैन लाइट यहाँ पर जल गया है और टाइमिंग यहाँ पर कम है, ठीक है, बहुत ही कम है, आप देख सकते हैं जो भी आपके सामने है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग हमने कम रखा है इसलिए, ताकि यहाँ पर आपको ज्यादा देर जो है कि यहाँ पर वेट ना करना पड़े।
अगर हम यहाँ पर दूसरा यहाँ पर टाइमिंग को यहाँ पर बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर होगा क्या, जैसा कि एक भाई का यहाँ पर कमेंट है कि टाइमिंग यहाँ पर बढ़ा के दिखाई किस तरीका से बढ़ाया जाता है। तो अभी तुरंत हम आपको बताएंगे कि टाइमिंग इसका किस तरीका से यहाँ पर बढ़ा जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो वेट कर लेते हैं वीडियो में, बस अब क्योंकि यहाँ पर लाइव दिखाना है आपको, लाइव देखिएगा। अभी पुश स्विच हमने ऑन किया है तो नाइट लाइट से यहाँ पे कन्वर्ट होकर उसमें चला गया। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर कट हुआ यानी कि टाइमिंग इसका खत्म हुआ तो अभी जो है कि नाइट लाइट में आ गया है। अब ये नाइट लाइट रात भर जलेगा और सर्किट यहाँ ऑफ कंडीशन में, ऐसा नहीं कि सर्किट ऑन है, सर्किट जो है कि ऑफ हो चुका है। यहाँ पर आपको ध्यान से काम करना है क्योंकि डीसी और एसी दोनों चीजें यहाँ पर, ठीक है। तो जैसा कि आपने टाइमिंग देखा ये कुछ सेकंड के लिए जो है कि यहाँ पर कन्वर्ट हुआ इस तरीका से, और अभी आपको यहाँ पर टाइमिंग बढ़ाना है तो सबसे पहले करना क्या होगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर पावर प्लग हमने यहाँ पर निकाल दिया है। टाइमिंग बढ़ाने के लिए आपको ये दिमाग में नहीं लेना है कि ये जो कैपेसिटर है इसको चेंज कर देंगे तो टाइमिंग बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। कैपेसिटर आप चेंज किएगा टाइमिंग नहीं बढ़ने वाला है। आपको करना क्या होगा, ये जो रजिस्टर हमने लगाया है, ये रजिस्टर हमने कितना वैल्यू का लगाया था दोस्तों, 1K का हमने लगाया था, ठीक है। आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं रजिस्टर का कलर आपको पता ही होगा, 1K का रजिस्टर है। तो चलिए यहाँ पर रजिस्टर हम हटा देते हैं। तो इस रजिस्टर को हमको यहाँ पर निकाल लेना है, चलिए इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये रजिस्टर मेरे यहाँ पे हट चुका है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपको ये थोड़ा हीट है, ये देखिए ये 1K का मेरे पास रजिस्टर था जो हमने लगाया था। आप चाहे तो 10K का लगाइएगा तो और भी यहाँ पर टाइमिंग जो है कि बढ़ जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पर अभी जो हम यहाँ पर रजिस्टर लगा रहे हैं वो देख सकते हैं, यहाँ पर 100K का यहाँ पर रजिस्टर लगा रहे हैं। यानी कि आपको यहाँ पर सिंपल भाषा में समझ में आ गया है, अगर आपको यहाँ पर टाइमिंग बढ़ाना है तो रजिस्टर का वैल्यू आपको बढ़ा देना है, ठीक है। टाइमिंग आपको कम चाहिए तो रजिस्टर का वैल्यू आप यहाँ पर कम कर सकते हैं, ओम्स में जा सकते हैं और भी कम चाहिए तो, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा यहाँ पर टाइमिंग आपको बढ़ाना है तो आप किलो ओम्स में जाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर जो है कि 100 किलो ओम्स में रजिस्टर हमने ले लिया है। रजिस्टर कोई सा भी हो सकता है, क्वार्टर वाट कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देते हैं, जो भी लाइव रहेगा आपके सामने रहेगा यहाँ पर। एक बार हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, एक बार और भी हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। चलिए दोनों जगह हम यहाँ पर सेट हो चुका है और कुछ भी हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया है, बाकी सारा कुछ यहाँ पर चीजें सर्किट में कनेक्शन लाइन वगैरह सारा चालू है। अब चलिए इसमें पावर देते हैं। अब यहाँ पर आपको टाइमिंग हम आपको बताएंगे, यहाँ पर जो है कि लगाते हैं इसका पावर में, मेन प्लग यहाँ पर लगाते हैं, थोड़ा सा इसको इस तरीका से कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। चलिए तो अभी देखिए नाइट लाइट जो है कि फिर से यहाँ पर जल चुका है। अब जैसे यहाँ पर पुश करेंगे ये, अब जो हमने लगाया है यहाँ पर रजिस्टर उसके हिसाब से जो है कि ये टाइमिंग अब ले लेगा। तो एक बार इसको प्रेस करते हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ पर प्रेस करने से पहले ही मेरा क्या है कि देखिए एक वायर मेरा यहाँ पर छूटा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो इस वायर को हमको यहाँ पर सोल्ड करना है, यहाँ पर ये सोल्ड होगा, चलिए ये छूटा हुआ था, बाद में ये सही से नहीं काम नहीं करता, फिर चलिए इसको लगा देते हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए जो है कि थोड़ा सा वीडियो को हम यहाँ पर लॉन्ग कर रहे हैं ताकि यहाँ पर जो नहीं समझ पाते हैं उनको लिए यहाँ पर, ताकि समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पे इसको प्रेस करते हैं एक बार। तो अभी देखिए अभी जो है कि ये कन्वर्ट हो चुका है उसमें मेन लाइट में। तो अभी क्या है ना कि अगर ज्यादा देर हम यहाँ पर वेट करेंगे ना दोस्तों तो ये कम से कम आपको बता देते हैं ये 12 मिनट से प्लस टाइमिंग यहाँ पर लेगा इसको कट करने में, फिर से नाइट लाइट में कन्वर्ट करने में। यानी कि अगर आपको सोने का टाइम है तो आप चाहते हैं या किसी भी चीज में लगाते हैं तो यहाँ पर 12 मिनट से प्लस अब लेगा। और भी अगर चाहे टाइमिंग बढ़ाने के लिए तो रजिस्टर आपको वैल्यू बढ़ा देना है। तो इतना टाइम तो हम नहीं दे सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर चेक किया इससे पहले। आप यहाँ पर देखिए स्टॉप वॉच से हमने यहाँ पर डिस्प्ले में आपको साइड में दे रहे हैं, यहाँ पर हमने चेक किया था तो इतना मिनट यहाँ पर शो कर रहा था जो कि लाइव आपके सामने है। तो यहाँ पर ज्यादा वेट हम नहीं करेंगे दोस्तों, इस तरीका से सर्किट काम करता आपको दिखाया, रजिस्टर हमने कम लगा के ताकि तुरंत भर में ये कट हो सके, इस तरीका से कट करता है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा और जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइएगा, क्योंकि इस तरीका का वीडियो लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।